तो आप ये शेफ वगैरह सारे उधर ही से लेके आए? हाँ, अच्छा, यू आर द ओनर ऑफ बाकी स्टाफ आपका सारा लखनऊ से? चलिए, मैं इसकी खुशबू तो थोड़ी आई। हेलो गाइस, कैसे आप सब? बहुत दिन बाद आप लोगों सबसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों में बिजी था जो कि बहुत ज़रूरी थी। लाइफ चेंजिंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो सब चल रही हैं, प्रोसेस में हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो रशिम ने दोनों ने फाइट किया। इधर लखनऊ का एक खाने का ढाबा खुला है आउंट बानेर में, तो उसका क्या कैसा टेस्ट है, लजीज है कि नहीं है, टेस्ट कैसा है वो मैं शेयर कर दो और लोकेशन भी शेयर कर दो। मैं तो निकला हूँ NIBM से अपने लोकेशन से, और मुझे जाना है आउंद, और उस होटल का नाम क्या है वो रेस्टोरेंट का, वो भी मैं शेयर करता हूँ, अभी भी शेयर कर सकता हूँ। दावत इश्क नाम रखा, भी खा के देखते कि लखनऊ का अभी तक गलावटी कबाब नहीं मिला और मुगलई पराठा नहीं मिला, जो कि टुंडे का बहुत फेमस है, और एक मोटी रोटी है नान, वो भी मैं ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा लगा टेस्ट और कैसा एम्बियंस है और कैसा। तो अभी मैं रशीम मोहम्मद जा रहा हूँ, और ये रहा पुणे का रास्ता, जो कि आजकल भाई गर्मी बहुत हो रही है सब जगह, और यहाँ पर तो ठंडा है, शाम में ठंडा हो जाता है, एसी लगता है लेकिन अच्छा लगता भाई, आजकल ऐसे ही चल रहा है। और भाई पुणे में तबड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, आपको पता होगा पोर्शे का, उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन अपने को सेफ ड्राइव करना है, तो मैं बस इतना बताता हूँ आप लोगों को, बी सेफ, गाड़ी सुकून से चलाएं, चाहे कोई भी महंगी गाड़ी हो बिल्कुल आराम से चलाएं। चलिए मैं लोकेशन पे ले चलता हूँ, बताता हूँ कैसा। तो ये जाम इधर मिलने लगा, मैंने कैंप से नहीं किया, मैं जा रहा हूँ अभी तिलक रोड से, तो इधर ट्रैफिक मिल रहा है मुझे, लंबा है, करीब 5-7 मिनट का रास्ता। भैया इतनी मशक्कत करने के बाद हम लोग पहुंच गए, जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आ गई है गैराज वाला है, वहाँ पर मार्बल की शॉप भी है, खाने का कैसा खोला है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, सोचा होगा सस्ता खोले चल जाएगा। हाँ, हो सकता है, ये भी सोचा चलती नहीं है ना जल्दी, लोगों को टेस्ट समझ नहीं आता। ऐसा भी गैराज के साथ मजे लेंगे आज खाने का। भाई बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ हम आ गए हैं दावत इश्क। अरे मोहम्मद उठ गया, उठ गया क्या, क्या कर रहा, शिशु कर रहा, ये दावत इश्क भाई। अब खाना अच्छा नहीं मिला ना तो रशिम सोच के रखना, ऐसा बुरा लगेगा, बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा लोकेशन बहुत खास नहीं है, अच्छा बस टेस्ट चाहिए। अब ये खाई है, ये नीचे खाई, उधर से हम लोग आए। तो आप ये शेफ वगैरह सारे उधर ही से लेके आए? हाँ, अच्छा, यू आर द ओनर ऑफ बाकी स्टाफ आपका सारा लखनऊ से? चलिए, मैं इसकी खुशबू तो थोड़ी आई, इसको बहुत मिस कर रहा था मैं, लेकिन अभी पराठे खाने को मिलेंगे, लेकिन बहुत लंबा आना पड़ा मुझे, मैं NIBM से आया। अच्छा, वेटिंग में आ क्या? चलिए ट्राई करते हैं। ये है गुलाबटी कबाब, ये चचा है लखनऊ से, और ये है अपना मुगलई पराठा, उधर तंदूरी रोटी बिरयानी और सी क्विक सारा उधर रिलोड हो रहा, तो इसको ट्राई करते हैं पहले। ये इनके मेन्यू चिकन बिरयानी घी में है सारा एक्चुअली, और जो टुंडे कबाब है वो एक्चुअली बीफ में भी सर्व करते हैं और मटन में भी सर्व करते हैं, चिकन में भी, चिकन में नहीं सर्व करते, जब वो कोविड था तब सर्व किया था। ये इनका मेन्यू है, लोकेशन में लिंक पे शेयर कर दूंगा, स्पेस तो अच्छा है, सिटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, अभी इनका टेस्ट भी खुशबू भी अच्छा आ रहा है, देखते हैं कैसे क्या टेस्ट आता है। ठीक हो उधर, मोहम्मद भी नहीं खा पा रहा, बोले इतनी दूर आना, मेरे हिसाब से हम लोग के हिसाब से जिसको टेस्ट पता है उसके हिसाब से सही नहीं है, लखनऊ का तो टेस्ट नहीं है आप, क्योंकि इतनी तीखा रहता ही नहीं है, यहाँ तीखा बहुत है। खाना तो हो गया, वो पूरा डिसअपॉइंट हो गया, पैसे भी गए, तेल भी जला, और मोहम्मद को पोटी भी आ गई, बस समझ लो वहाँ से भागे ना, कबाब में टेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं, और वॉशरूम तो भाई भूल ही जाओ, हाथ धोना तो दूर की बात है, उधर जाओ मत। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोल, मतलब ये बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, आप आ जाओ,
लोकेशन मैं दावत इश्क में बता दिया आपको, लोकेट करो आप, इधर आओ, आपको पता चल जाएगा कैसा है क्या है। ना मैनेजमेंट है, ना टेस्ट है, ना क्लीनिंग है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक पानी के लिए बोतल के लिए बोला तो 5-7 मिनट गए, और हाथ धोने का तो बहुत गंदगी है, कोई भी नहीं सुन। सीट बेल्ट पहले बंदा इधर रास्ते चले, पहले तो मैं सोच रहा हूँ ये दे दूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं, सब बना दे तो यहाँ के लोग खा के 500 रुपए प्लेट ले लूंगा, मैं कसम से ले लूंगा, 6 कबाब खिलाऊंगा, लेकिन वो बोलेंगे सर ऑथेंटिक है। अरे हमारे घर के कबाब भी इतने टेस्टी होते हैं। नहीं मतलब हमारे के जो मिर्ची कबाब में, कबाब में मिर्ची है इतना है, बाप रे बाप। उसके बाद ग्रीन चिली खाते हैं, सर्व करते हैं, लोग देते हैं, लोग खाते हैं, लेकिन इनके क्या तो भाई तो मोहम्मद के दांतों में लग रहा था कैविटी हो गई है, तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास आए थे। बच्चों के भी डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि डेंटिस्ट देख के आए, कि जो बड़ों के बच्चों के हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो सारे जॉब्स निकलेंगे। नहीं जंप बैक, जंप बैक, यस वेरी गुड बॉय, शो शो हिम, डोंट बैक, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, वेरी गुड। सी ये क्या है ना, आपके स्टार 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 पीने के लिए भी नहीं और गालू के लिए नो वाटर बोला डॉक्टर ने। डन ना, ओके देखो बेटू आ करो, बट नो आइसक्रीम आ करो। सो दिस इज द क्लिनिक एंड ही इज अ डॉक्टर, हैप्पी किड डेंटल क्लिनिक एंड टंग एंड टाई सेंटर। ओके डॉक्टर, ये अपना हड़पसर पे है, मेन है क्या, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। हैप्पी किड डेंटल क्लिनिक, भाई मेरा बच्चा तो नहीं रहा। ये था 3010 पे और लिफ्ट है इधर, उसको आराम मिल गया ना, अच्छा लग मोहम्मद का मिल गया। डॉक्टर वैभव मिश्रा अच्छे मिले, और चार दांतों में कैविटी निकली, एक दिख रही थी, क्योंकि अपने डॉक्टर वैभव मिश्रा से कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद मैंने उन्हें बोला करा लो, चार भी निकली और क्या करा, एक लेयरिंग किया, फ्लोराइड की लेयरिंग की है जो कि प्रोटेक्ट करती है 6 मंथ्स के लिए, नहीं 1 ईयर तक के लिए। तो जिस वजह से आपका बच्चा 2 साल का होता है, फ्लोराइड लगवाइए, उस पर एक लेयरिंग कर देते हैं डॉक्टर, बेस्ट, और दांत सेम रहते हैं, और बेटर है कि दांतों को कराते करें।